नमस्कार, मैं नेहा एमपी न्यूज के खास सेगमेंट न्यूज रूम में आपका स्वागत करती हूं। आज हम आपसे इस न्यूज रूम में मध्य प्रदेश से जुड़ी तमाम छोटी बड़ी खबरों पर चर्चा करेंगे। तो चलिए न्यूज रूम की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जहां मध्य प्रदेश पुलिस के नाक में दम करने वाले सागर के सीरियल किलर की इनसाइड स्टोरी काफी चौंकाने वाली है। उसका नाम शिव ध्रुव है। चार हत्याएं करने वाला यह आरोपी हिट फिल्म KGF से प्रेरित है। इसकी योजना थी कि कुख्यात होने के लिए वह पहले आम लोगों की हत्याएं करेगा और अगर उससे उसका नुकसान न हुआ तो वह पुलिस वालों को भी मारेगा। आरोपी ने पुलिस को यह बताया है कि उसने पुणे में भी एक शख्स की जान ली है। सागर पुलिस उसे अपने साथ ले गई है। वहां उससे कड़ी पूछताछ की जा रही है। हैरान करने वाली बात यह है कि यह सीरियल किलर भोपाल शहर में घूमता रहा और पुलिस को उसकी भनक तक नहीं लगी। और भोपाल में गुरुवार रात हत्या करने के बाद आरोपी 20 किलोमीटर तक पैदल भी चला। उसने यहां मार्बल गोदाम के चौकीदार की हत्या की। शुक्रवार सुबह अचानक सागर पुलिस भोपाल के लालघाटी पहुंची और उसे गिरफ्तार किया। वह आरोपी को अपने साथ सागर ले गई है। अब भोपाल पुलिस ट्रांजिट रिमांड पर पुलिस को लेकर आरोपी से पूछताछ करेगी। वहीं बात करें अगली खबर को लेकर, जहां पूरे प्रदेश के सभी शहरों में डोर टू डोर कचरा कलेक्शन की कचरा गाड़ियों पर अब भोपाल से नजर रखी जाएगी। यानी गाड़ी सुबह कचरा कलेक्शन के लिए निकली या नहीं और निकली तो कितना कवरेज किया और कचरे की प्रोसेसिंग की स्थिति क्या है। स्वच्छ भारत मिशन के तहत चल रहे कार्यों की ग्राउंड पर क्या स्थिति है। कुल मिलाकर स्वच्छ भारत मिशन के तहत हर प्रोजेक्ट की मॉनिटरिंग अब नगरी आवास एवं विकास विभाग के भोपाल स्थित मुख्यालय से होगी और स्वच्छता में इंदौर लगातार देश में टॉप पर बना हुआ है। पूरे संसाधन झोंकने के बावजूद भी भोपाल की रैंकिंग ऊपर नीचे होती रहती है। बावजूद भोपाल स्वच्छ भारत मिशन के मापदंडों में पिछड़ रहा है और प्रदेश सरकार का पूरा जोर होने के बावजूद भी राष्ट्रीय स्तर पर मध्य प्रदेश अन्य राज्यों की तुलना में पिछड़ रहा है। पिछले दो बार से छत्तीसगढ़ पहले और महाराष्ट्र दूसरे नंबर पर है जबकि मध्य प्रदेश तीसरे नंबर पर है। इसीलिए अब विभाग द्वारा यह कदम उठाया गया है। वहीं बात करें अगली खबर को लेकर, जहां प्रदेश के सभी सरकारी गैर सरकारी और अनुदान प्राप्त स्कूलों में अब बच्चों पर वस्तु और होमवर्क का बोझ कम होगा। स्कूल शिक्षा विभाग ने 2019 के आदेश को रद्द करते हुए सिरे से अपनी नई पॉलिसी बैग स्कूल पॉलिसी 2020 जारी की है। इसके अनुसार कक्षा पहली से पांचवीं तक के बच्चों के बस्ते का वजन 1.6 से 2.5 किलोग्राम रहेगा। बस्ते में राज्य सरकार और NCERT द्वारा तय की गई पुस्तकों को ही रखा जाएगा जबकि दूसरी क्लास तक के विद्यार्थियों को अब होमवर्क नहीं दिया जा सकेगा। कक्षा तीसरी से पांचवीं तक सप्ताह में 2 घंटे, छठवीं से आठवीं तक प्रतिदिन 1 घंटे और नवीं से बारहवीं तक बच्चों को हर दिन अधिकतम 2 घंटे का होमवर्क ही देना होगा। हरेक स्कूल को अपने नोटिस बोर्ड पर बस्ते का वजन का चार्ट लगाना होगा। कंप्यूटर नैतिक शिक्षा और सामान्य ज्ञान की कक्षाएं बिना पुस्तकों के ही लगानी होंगी और सप्ताह में एक दिन बच्चों को बिना बैग के ही बुलाना होगा जिससे वोकेशनल एक्टिविटी करानी होगी। वहीं बात करें अगली खबर को लेकर, जहां मध्य प्रदेश के 92 प्राइवेट अस्पतालों का लाइसेंस कैंसिल कर दिया गया है। जबलपुर के न्यू लाइफ सिटी हॉस्पिटल में हुई आगजनी की घटना के बाद स्वास्थ्य विभाग ने यह कार्रवाई की है। विभाग ने जाँच के लिए एक कमेटी बनाई थी जिसमें खामियां मिलने पर एक्शन लिया गया है। इसमें सबसे ज्यादा जबलपुर के 33, भोपाल के 21 और ग्वालियर के 19 हॉस्पिटल शामिल है। हर जिले में एक डॉक्टर के साथ नगर निगम के फायर ऑफिसर और इलेक्ट्रिकल सेफ्टी ऑफिसर के साथ ज्वाइंट टीम बनाकर अस्पतालों और निजी नर्सिंग होम्स का निरीक्षण कराया गया। इस जांच में प्रदेश के 23 जिलों के नर्सिंग होम बिना टेम्पररी फायर NOC के चलते मिले और जांच के दौरान नियमों के मुताबिक अस्पताल संचालित न मिलने पर 92 निजी नर्सिंग होम के पंजे निरस्त कर दिए गए हैं। वहीं बात करें अगली खबर को लेकर, जहां मध्य प्रदेश में सितंबर महीने में भी जोरदार बारिश की संभावना है। उज्जैन को छोड़कर भोपाल, इंदौर, ग्वालियर और जबलपुर समेत प्रदेश भर में सामान्य से ज्यादा बारिश हो सकती है। ऐसा ला नीना सिस्टम के कारण होगा। वरिष्ठ मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक सितंबर महीने में सामान्य से 9% ज्यादा बारिश हो सकती है। सितंबर के पहले सप्ताह में भी ज्यादा बारिश नहीं होगी। वहीं दूसरे और तीसरे सप्ताह में मानसून की गतिविधियां तेज होंगी। इस दौरान उज्जैन को छोड़कर प्रदेश के अधिकांश इलाकों में जमकर पानी बरसे। उज्जैन में सामान्य या कम बारिश के आसार हैं। मौसम विभाग के मुताबिक देश के अधिकांश हिस्सों में अधिकतम तापमान सामान्य या सामान्य से कम रहने की संभावना है। इसमें भी ग्वालियर, बुंदेलखंड और बघेलखंड के इलाकों में तापमान भोपाल और इंदौर की तुलना में ज्यादा रहेगा और सिस्टम नहीं बन रहा, लेकिन सितंबर में दो से तीन नए सिस्टम बनने की उम्मीद है या सितंबर के दूसरे सप्ताह से बनना शुरू हो सकते हैं। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। और भी खबरों के लिए देखते रहिए एमपी न्यूज। एमपी की नब्ज, एमपी का हाल, मध्य प्रदेश की हर खबर एमपी न्यूज टीवी के साथ। लगातार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल एमपी न्यूज टीवी। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना जरा भी ना भूलें।